नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भोपाल 31 अक्टूबर 2022 गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी पर बना ब्रिज टूट जाने से 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाने की घटना बेहद दर्दनाक है। कांग्रेस जनों ने राजधानी के 10 नंबर स्टाफ और शाहजहानाबाद के परी बाजार पर घटना में मृत लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल के मध्य क्षेत्र के विधायक अरुण मसूद ने कहा कि गुजरात के मोरबी में हुई यह घटना बेहद दर्दनाक है। घटना को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कि गुजरात से ही आते हैं, उन्हें भी अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री और ना ही देश के प्रधानमंत्री और ना ही देश के गृहमंत्री ने इस घटना को लेकर गंभीरता दिखाई और ना ही इस घटना से प्रभावित लोगों के प्रति कोई संवेदना है। इस अवसर पर विधायक अरिन मसूद, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, प्रतिभा विक्टर, नवीन चौबे, दीपक जाधव, शर्मिला करोले, गौरव अवस्थी, संतोष सिंह परिहार, राजकुमार सिंह, प्रशांत गुरुदेव, रामराज तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। भोपाल से संवाददाता नजखान की रिपोर्ट। आज गुजरात के इस हादसे पर हम सब मध्य विधानसभा के लोग 10 नंबर मार्केट में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन मृतकों के लिए जो हादसे में दुनिया से हमारे बीच से चले गए। साथ ही उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे कि मालिक उनको इस दुख की घड़ी में सब्र दे। और ये सबके लिए एक सोच का विषय भी है और एक अफसोस का भी है कि ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम की जो पूरी गलती हुई है गुजरात में, उस सिस्टम की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। उसके लिए हमको आगे सतर्क भी होना चाहिए, जनता को भी अवेयर होना चाहिए ताकि दोबारा जिस तरह पहले हमने पुलवामा में न जाने कितने सैनिकों की जान गंवाई और आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, इसी तरह दोबारा गुजरात हमारे सामने आ गया। ये पुल अभी बना था और 5 दिन पहले चालू हुआ, किसने चालू करा, क्या करा, ये एक जांच का विषय है। लेकिन देश को इस पर सोचना चाहिए कि किन लोगों के द्वारा जुमलेबाजी की जाती है और कौन लोग जनता की ईमानदारी से रक्षा करने के लिए सड़कों पे, रोडों पर चलना है, जो उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो पूरी गुजरात के इस हादसे पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करूँगा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें संज्ञान लेके उसको राजनीतिक स्टंट ना मानते हुए वास्तव में परिवारों के साथ खड़े होने का प्रयास करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। मैं अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी से कहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।